बात कर रही है, नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, इसको किस तरह से विकास के रूप में देखते हैं? नहीं, मैं इसका स्वागत करता हूं। इससे क्या होगा, देखिए लोग यहां आने से इसलिए कतराते थे कि उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, उन्हें सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती थी, उन्हें सरकार की तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं मिलता था। आज हर चीज़ है, आज सिक्योरिटी भी है, आज सुविधा भी है, आज जो है सरकार पैसा भी देती है अगर आप यहाँ शूटिंग करते हैं तो, और इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे लोकेशंस हैं कि आज तक कोई वहाँ पहुँच नहीं पाए। और उसकी वजह यह है कि बस जितने भी स्टार्स हैं वो ज़रा यहाँ आने से पहले घबराते थे, क्राउड की वजह से, तोड़फोड़ की वजह से अक्सर हो जाती थी शूटिंग्स में, पब्लिक जो है वो उत्तेजित हो। आपको लगता है कि यूपी का बेहतर हुआ है? काफ़ी बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है, और ऐसा होना भी चाहिए। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, सरकार को लेकर मैं यही कहूँगा योगी जी कि ये सरकार जो है ये दूसरी बार चुनकर आई है। जनता जो है जनार्दन है, अगर जनता नाराज होती है तो सरकार फिर दूसरी बार नहीं आती है। यकीनन यूपी की जनता जो है इस सरकार से खुश है, मुख्यमंत्री जी से खुश है, इसलिए भारी मात्रा में दोबारा सरकार उनको लेकर आई है। तो सिर्फ डायलॉगबाजी से कुछ नहीं होता, डायलॉगबाजी फिल्मों में चलती है, यहाँ भी थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन डायलॉगबाजी के साथ साथ काम भी करना होता है, और काम हो रहा है, जनता मुतमईन है, जनता खुश है, इसलिए जनता ने दोबारा इस सरकार को इस जिम्मेदार गद्दी या कुर्सी पर बिठाया। अच्छा, आप जिस शहर से आते हैं रामपुर से लेकर सवाल करें तो रामपुर के नए नवाब के सितारे आजकल गर्दिश में हैं आजम खान साहब के, क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए उन पे केस चल रहे हैं, एक दो केसेस में उनको सजा भी हुई है। देखिए वो यहाँ के नागरिक हैं, उन्हें पूरा अधिकार है अपने आप को डिफेंड करने का, अपना बचाव करने का, और वो कर रहे हैं। और मैं ना उनका पक्ष ले रहा हूँ ना मैं उनके विपक्ष में बात कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे मुल्क का कानून है वो ये कहता है कि जब तक किसी भी मुल्ज़िम पे जुर्म ना साबित हो तब तक वो बेगुनाह है। तो उन पे मुकदमे चल रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारा तो ऐसा देश है कि हमने अजमल कस्साब को भी सफाई देने का मौका दिया जबकि पूरी दुनिया ने उसे गोलियां बरसाते हुए देखा था, उसके बाद भी उसे अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिला। हमारा देश तो इतना महान देश है तो उन्हें भी हक है अपनी सफाई देने का। अगर वो बेगुनाह है तो फिर उसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, आप संगम की धरती पर हैं, ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, रामचरित मानस को लेकर जिस तरह से विवाद किया जा रहा है, क्या लगता है कि ये विवाद कहाँ तक उचित है? देखिए मैं ये कहूँगा कि किसी को किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का हक नहीं है। वो आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं या आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, आपको देखिए जो हमारा संविधान है उसने हमको अधिकार दिया है अपनी बात कहने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हमें इख्तियार है, लेकिन हमें यह हक नहीं है कि हम किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। ये जो है ये एक जुर्म है, ये संविधान से गिर के बात है। तो जो भी करता है जिसकी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो आपको अपने मुंह से शब्द निकालने से पहले ये सोचना चाहिए। ये हम सब का मुल्क है, संविधान ने हम सबको बराबर का अख्तियार दिया है इसमें रहने का, तो किसी को किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं। आज से 51 साल पहले यहाँ आया था, सिविल लाइन्स पे कोई बार्नेट्स होटल था, मैं वहाँ ठहरा था।
और यहाँ कोई उत्तम पैलेस नाम का कोई थिएटर है, वहाँ फिल्म परिचय लगी थी तो वो मैंने देखी थी। बड़ा प्यार है इस शहर से, संगम भी है, गंगा जी भी हैं, यमुना जी भी हैं, और यहाँ दोनों का मिलन होता है। ये बहुत ही एक पवित्र और पावन स्थल है, और क्योंकि मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, मैं रामपुर का वासी हूँ, और रामपुर से ही मैंने प्राइमरी एजुकेशन हासिल की, तो इलाहाबाद आता रहता हूँ जब भी कोई मौका होता है, और एक अच्छी तब्दीली देख रहा हूँ यहाँ पे, एक अच्छा चेंज दिखाई दे रहा है आपके शहर में। अच्छा, क्या दिख रहा है आपको, क्या बदलाव आया है? बदलाव काफ़ी अच्छा लग रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें जो पहले नहीं थीं अब दिखाई दे रही हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, गाड़ियां ज़्यादा हो गई हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि बॉम्बे से कनेक्टिविटी हो गई है एयरपोर्ट के थ्रू, तो ये पहले नहीं था। जब भी हमें आना होता था तो हम वाराणसी उतरते थे और 120 किलोमीटर हमें आना पड़ता था, लेकिन आज ये सुविधा है कि मुंबई टू प्रयागराज जो है वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी।